तो इस पेपर को डिस्कस करेंगे आज हम। अभी डाइस चैप्टर और रहता है हमारा। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सब? यस यस। चलो 58 से स्टार्ट करते हैं। 51 जो क्वेश्चन है, 57 वीडियो में करवा रखा है आपको, ये वहां से देखना आप इसको। 58 में है, सेकंड डे फ्राइडे, किसी भी मंथ का सेकंड डे फ्राइडे। तो फॉलोइंग वुड बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज। अब ऐसा मंथ नेक्स्ट जिसमें 31 डेज है, उसका लास्ट डे क्या होगा? तो क्या आप बता सकते हो? नो सर। क्योंकि हमें प्रेजेंट मंथ का ये नहीं पता ना, नंबर ऑफ डेज 30 भी हो सकते हैं और 31 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। हाँ 28 और 29 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डेटा इनएडिक्ट। नेक्स्ट है बेटा वीटीएस से है, एटमोस्फियर ऑलवेज हैज एयर एयर या ऑक्सीजन? एयर सर। एयर सर। एयर, एयर में तो ऑक्सीजन होगी। ए ट्रेन ऑलवेज हैज इंजन। इंजन। फाउंड इन ब्रेवरी, बहादुरी, ब्रेवरी, करेज, करेज, साहस, बहादुरी में साहस से ही। ऑलवेज विद बार्गेन, बार्गेन जो मार्केट में करते हैं हम, बार्गेनिंग, एक्सचेंज, हाँ गुड्स और सर्विसेज के टाइम एक्सचेंज करते हुए। जस्टिस ऑलवेज एसोसिएटेड विद जस्टिस, लेजिटिमेसी, न्याय। क्विल्ट ऑलवेज हैज कॉटन, क्विल्ट ऑलवेज हैज कॉटन। सेवेंटी टू साइट देखिए, इसको 72 को देखिए। ऑप्शन से देखो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, पैसे हम देखेंगे हमारे पास बजट कितना है, उसके बाद हम साइट पे जाएंगे, साइट फाइनल करेंगे, उसके बाद प्लान, साइट देख के ही प्लान करेंगे ना उसके हिसाब से। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा, देन बिल्डिंग रेडी होगी और फिर बेटा वो रेंट के लिए तैयार हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 73 बुक, पल्प, टिम्बर, जंगल, पेपर, तो वही जंगल, so जंगल में होंगे टिम्बर। 43, 43 देख लो थर्ड में है। नेक्स्ट स्टडी, जॉब, एग्जामिनेशन, अर्न, अप्लाई। स्टडी, एग्जाम, फर्स्ट थ्री, फाइव। सर पहले तो अप्लाई करेंगे ना? नहीं, ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर रहा। फर्स्ट थ्री फाइव, सी ऑप्शन, नहीं सॉरी फोर्थ में भी है, फर्स्ट थ्री फाइव तो देखते हैं। फर्स्ट थ्री फाइव अप्लाई, अप्लाई करने के बाद उसको जॉब मिलेगी, फिर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फोर लास्ट में होगा, हाँ थर्ड ही होगा। 75 कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वो ट्री। कंट्री में होंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में होंगे ट्री। 135, 135। नेक्स्ट 76, सबसे पहले की, फिर लॉक, फिर डोर। 132, 132। सेकंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, इनकम, स्टेटस, एजुकेशन, वेलबींग, जॉब। वेलबींग सबसे लास्ट में होगा और पहले एजुकेशन, फिर जॉब, फिर इनकम। 351, 351 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट टाइटल, कंटेंट, इंट्रोडक्शन, चैप्टर, इंडेक्स।
कंफर्म कर लेना. थर्ड, एनिमल ऑलवेज हैज लाइफ. लाइफ लाइफ. मिरर ऑलवेज हैज रिफ्लेक्शन. ब्लैक. रिवर ऑलवेज हैज बैंक. डेल्टा. किनारे उसके. डेल्टा नहीं बेटा, बैंक्स, जो उसको पानी को रोक के रखते हैं. जेल ऑलवेज हैज सिक्योरिटी. लॉक. व्हाट इज ऑलवेज इन वरी, चिंता में हमेशा क्या होगा. अनरेस्ट. अनरेस्ट. हिल ऑलवेज हैज हाइट. फैन ऑलवेज हैज ब्लेड्स. ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस. उसके बाद ये एनवी है लास्ट में, सेट का पेपर आप कर लेना. ओके सर. और ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो आप सभी कर ही लेते होंगे, फिर भी एक क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ. यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं, तो मैक्सिमम हाइट के ब्लॉक देखो आप, जैसे ये कॉर्नर वाला देखो कितने हैं, इस पे 4 है ना मैक्सिमम हाइट, और 4 वाले टोटल कितने हैं ऐसे, 11 है, 11, तो ये कितना हो जाएगा 44. ठीक है, 3 हाइट वाले देख लो, 3 हाइट वाले देखो, 6 है सर, 7 है सर, 11 है, मुझे लगा था 6 है. 21, 2 हाइट वाले, बाकी 6 ही मिलेंगे. 2 हाइट वाले देखो, 2 हाइट वाले 2 बिल्डिंग्स है, तो ये 4, 63 और 4, 67, 69 हो गए. कर लोगे ना ऐसे काउंट, कोई नहीं मिस्टेक हो तो आप कैलकुलेट अच्छे से कर लो. उसके बाद इसको देखिए, 31 क्वेश्चन को पहले इसको पढ़िए. वॉल द ब्लॉक विजिबल सरफेस एक्सेप्ट द बेस हैज बीन पेंटेड पिंक. बेस को छोड़कर बाकी पूरे को पिंक किया है. जब आवाज ना आए ना बेटा तो बोल देना एक बार, कभी मैं गाता रहूं आपके पास आवाज. okay, तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव 4 फेस पेंटेड. अब इस पे देखो, बॉटम की तरफ कोई भी कलर नहीं है पीछे, बाकी सभी विजुअल फेस पे कलर है. तो 4 फेस की अगर बात करें तो आप देखिए, सबसे पहले ये जो होगा 4 होगा, और ऐसे ये जो होगा 4 फेस होंगे ना ये. yes, yes, sir. क्या कोई और होगा? कोई नहीं होगा. no. थर्ड. हाँ जी बेटा, फर्स्ट रो में थर्ड वाला ना नहीं होगा, और कोई भी 4 फेस पेंट कोई भी नहीं होगा. कोई ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा, देखते जाओ. उसके बाद एग्जैक्टली 3 फेस पेंट. 3 फेस पेंट की बात करें तो सबसे पहले कॉर्नर को देखो, जैसे ये एक, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इसके साथ वाला 3 फेस पेंट, ये भी हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 3 फेस पेंट. ये भी आ रहा है समझ में सभी को? एक ये होगा 3 फेस पेंट, उसके बाद ये हो जाएगा 3 फेस पेंट. हाँ बताओ, आप कर दो. ये सबसे इस लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब सेकंड लेयर में, इस नीचे वाली लेयर में. यस, सेकंड लेयर में, इससे नीचे वाली में. मतलब ऊपर से थर्ड, नीचे से सेकंड. अरे वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, एक बार सारे काम होता है. मैंने एक किया होगा और तो कोई नहीं होगा. बॉटम वाले कॉर्नर्स तो होंगे नहीं, क्योंकि बॉटम सरफेस पे कोई भी पेंट नहीं है. तो और कोई देख लो, हमने छोड़ दिया हो तो मेरे ख्याल से सारे कवर हो गए, 8 होंगे. yes. नेक्स्ट है भाई आपका 2 फेस पेंट. 2 फेस पेंट, सबसे पहले 4 तो बॉटम वाले कॉर्नर्स हो जाएंगे, समझ रहे हैं? 4 बॉटम कॉर्नर्स होंगे, क्योंकि बॉटम पे कोई भी पेंट नहीं, उनमें से एक ये है.
है ना। अब देखते हैं, ये हो जाएगा वन, उसके बाद ये होगा टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, और एक जो ये जो एज नीचे की तरफ जाएगा, दो इसमें होंगे ना, समझ रहे हैं, नाइन। नाइन और फोर कितने हो गए, थर्टीन। अब आप बताओ, थर्टीन नहीं है तो सो गए सभी? नो सर। अंकिता, दीपांशु, शिवम को छोड़कर बाकी बोलिए, सो गए सभी? देखिए नो सर, करवाएंगे नहीं सर। नो सर। ठीक है, आवाज सुना दिया करो ना तुम्हारी, अच्छा लगता है, इतने महीने हो गए आवाज सुने। ओके, तो थर्टीन आएगा ना बेटा इसका? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन फेस पेंट। तो वन फेस पेंट में ये देख लो, पहले हर एक एज पे दो होंगे ना नीचे, तो टोटल नीचे कितने हो जाएंगे, एट। यस सर। उसके बाद देखिए, ये हो जाएगा वन टू, दो इधर हो जाएंगे फोर, दो पीछे हो जाएंगे सिक्स, और एक सर चार होंगे उस साइड में। हाँ चार होंगे पीछे की तरफ। कहने का मतलब है आप समझ गए क्वेश्चन को, काउंट कर लेंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। कि एक हिंट ही देना होता है, आप सभी अच्छे बच्चे हैं और अपने आप कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन काफी बार हो चुका है, कोई बताना हो तो इसमें बताओ, 27 से 30 में कोई भी पार्ट आप लगता हो कि सर ये करवा दो। जी बेटा बताओ। नो सर। ट्वेंटी थ्री से 26 बताइए कोई क्वेश्चन। नो सर। सिर्फ यहाँ आप देखोगे, यहाँ जो गायब है ऊपर से वो 3x3 गायब है, यानी कि 9 क्यूब्स गायब, ऐसा ही है ना, 3x3 का थोड़ा सा एक गड्ढा कर रखा है उसने। तो अभी जो है ये वाला कितना फेस हो जाएगा बताना, ये वाला 3 फेस। हाँ, ये ऊपर जितने भी हैं ये सारे 3-3 फेस होंगे, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये सारे 3 फेस होंगे। ओके, ये 29 डे है, इसको ध्यान से जल्दबाजी ना करें, एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा होता है साथ में 27। तो 29 डे, 400 कंजुगेटिव ईयर्स, कितना है बच्चों, 4497। और यहाँ अगर 29 फेब दे देता हूँ, 29 फेब तो क्या आता, 97 टाइम्स। नाइनटीन से 20 देखेंगे एक बार, नाइनटीन से 20 में क्या बोला कि एक क्यूब को रेड पेंट किया है 3 एडजेसेंट पे, दिख रहा है 3 एडजेसेंट फेस पे, सबसे पहले रेड पेंट किया था 3 एडजेसेंट पे, उसके बाद कट वंस हॉरिजॉन्टली वंस वर्टिकली इनटू 4 क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि ये है वो बड़ा क्यू, ठीक है जी। इसको वन टाइम हॉरिजॉन्टली और वन टाइम वर्टिकली किया है, तो इसको काटिए सबसे पहले। जो थ्री रेड है वो आपको जो सामने से दिखाई दे रहे हैं वही, ये बन जाएगा एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल। तो इसको आप डाल सकते हैं पार्ट का नाम ए बी सी डी, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी, फोर क्यूबॉइड्स बन गए। अब इनको सेपरेट कर दो, तो इधर जो मैंने राइट साइड में दिखा रखा है आपको, ये मैं ए पार्ट को शो कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास ए ब्लॉक। अब उसने क्या कहा, ईच ऑफ दीज क्यूबॉइड्स इज कलर्ड ग्रीन ऑन ऑल द अनकलर्ड फेसेस। तो सबसे पहले देखिए ये बी पार्ट है हमारा, सॉरी ए पार्ट है, ए क्यूबॉइड है, वहां से हमने इसको अलग निकाल लिया, सिर्फ एक का एग्जांपल करेंगे हम अभी। इसका जो ये तीन सरफेस आपको जो ये दिख रहे हैं जहां पे कर्सर चल रहा है, ये कैसे पेंट है बताओगे, कैसा पेंट है ये? रेड रेड। कैसा पेंट है? रेड पेंट है। ये देखो ना आप जहाँ कर्सर ए बी सी डी पे चल रहा है, तीन सरफेस आपको दिख रहे थे ना बड़े क्यूब के, इसके ऊपर रेड है, तो ये छोटा ए क्यूबॉइड जो निकलेगा इन तीनों के ऊपर रेड होगा, और बाकी जो इसके अपोजिट है उनमें कैसा होगा, ग्रीन होगा, नीचे की तरफ भी ग्रीन होगा, बाकी ये रेड है इन तीनों, क्लियर। अभी फिर से क्या किया, इसको वंस हॉरिजॉन्टली और वंस वर्टिकली काट दिया, फिर से उसने वही किया, ऐसा मिला हमें। तो जो ये चार पार्ट मिले हैं हम इनको लिख सकते हैं, कुछ भी डाल लो आप, ए वन डाल लो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ऐसे ही आप बी पार्ट को ड्रा कर लेना, सेम सी का केस हो जाएगा और सेम बी का केस हो जाएगा। मैंने जो वीडियो बना रखी है बच्चों उसमें क्वेश्चन करवा रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले। अब यहां जैसे एक बार आप ए फोर को बताओ मुझे, जो ये ए फोर है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ए फोर, ए फोर का कितना फेस रेड होगा? सर आप नहीं समझ पा रहे, अरे घबरा क्यों रहे हो यार तुम, कमाल है, ए फोर का वन फेस रेड होगा जो ये सामने वाला आपको दिख रहा है, बाकी पे तो ग्रीन है, नहीं पता लग रहा क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो यार तुम, अच्छे कमाल के बच्चे हो, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं बोल दो, सिंपल है, उसमें क्या है, आ रहा है सर समझ में। देखो ये ए ए फोर को मैंने ड्रॉ कर लिया, ए फोर को मैंने ड्रॉ कर लिया, ये फोर है, ठीक है, फिर कह लें ये फोर है, ए फोर है, तो ए फोर का अभी जो पेंट होगा इस तरफ तो होगा रेड पेंट, ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सा होगा बताओ, टॉप पे कौन सा कलर होगा? अनकलर्ड। कुछ नहीं समझ में आ रहा, टॉप पे कोई भी कलर नहीं होगा, क्योंकि ये टॉप देखिए, टॉप तो टू से अटैच में था ना, टॉप तो टू से अटैच में था, यहाँ से अलग हुआ है, तो टॉप पे कोई कलर नहीं होगा, बाकी जो ग्रीन कलर होंगे वो होगा एक तो राइट साइड में, एक बॉटम में और एक पीछे की तरफ,
ठीक है, यहां पे कोई भी कलर नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा इधर। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया अच्छे से? तो अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। सारे पार्ट्स को आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ए बी, बी के बना लियो B1, B2, B3, B4, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ए का हमने 1, 2, 3, 4 ये दिखा दिया ना, ऐसे ही बी का दिखा दियो अलग से। अब देखो, हाउ मेनी क्यूबर्ड्स हैव 3 रेड फेस। तो यहाँ मेन फिगर को देखो, ए बी सी डी जो देख रखा है आपको, इसमें से जब ये 4 क्यूबर्ड हमने बनाए थे और फिर हरेक के 4-4 और बना रहे हो, तो 3 रेड किसके ऊपर आएंगे? सोच के देखो, क्या बी के किसी पार्ट पर 3 रेड आएगा? ए पर सर। सी पर नहीं आएगा, डी पर नहीं आएगा, ए पर आएगा। और ए को हमने ये इधर बना लिया, ए को हमने ये देखिए इधर बना लिया, ठीक है। तो ए का कौन सा होगा 1, 2, 3 में से बताओ, जिसके ऊपर 3 के ऊपर रेड आएगा? 1 पे आएगा, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक ही होगा, A1 होगा। अगर मैं बताना चाहूं कौन सा है, तो वो A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, वो A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्रीन फेस। सबसे पहले ए को समझ लो भाई, 2 ग्रीन फेस किसके ऊपर आएंगे? ए में। A1 पे 2 ग्रीन आएंगे? नहीं आएंगे, सिर्फ एक पीछे वाला ग्रीन होगा। A2 पे 2 ग्रीन आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखो, एक तो ये साइड वाला है और एक पीछे वाला है, एक तो A2 होगा। A का कौन सा आएगा वो लिख लो, A का एक तो 2 आएगा, A का 3 होगा? यस सर। नीचे भी ग्रीन है और पीछे भी ग्रीन है, A का 3 भी होगा। A का 4 होगा? यस सर। बेटा 3 ग्रीन फेस पूछा, सॉरी 2 ग्रीन फेस पूछा उसने, A का 4 पे 2 ग्रीन होंगे? नीचे और पीछे सर 3 ग्रीन है सर इस, अरे इस पे 3 है, नीचे भी है, राइट साइड भी है और पीछे भी है, तो A4 काउंट नहीं होगा, इसके तो 3 है ग्रीन। ऐसे ही अब बी के देखो, अब बी के बताओ मुझे, यहाँ सिर्फ समझ के बताना है आपको, बना नहीं रखा मैंने कहीं भी। बी का अगर मैं 1, 2, 3, 4 बनाऊ यहाँ ऐसे, ऐसे 1, 2, 3, 4 अगर हम बनाए, तो बताइए कौन सा होगा? 1 होगा जिसपे 2 ग्रीन आएंगे? नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ पीछे की तरफ ग्रीन आएगा, ये वाला 1। 2 बताओ, ये 2 होगा जिसपे 2 ग्रीन आए? बिल्कुल, इधर भी ग्रीन होगा और पीछे भी ग्रीन होगा, तो एक तो बी का हो जाएगा 2। अब बी का 3, ये वाला 3 है भाई, क्या बी का 3 होगा जिसपे 2 ग्रीन आए? नहीं आएगा, सिर्फ पीछे वाला ग्रीन होगा। बी का 4 आएगा जिसपे 2 ग्रीन होंगे? बिल्कुल होगा, राइट साइड में भी है और पीछे भी है, तो बी का 2 और 4। ऐसे ही सी का आप चेक कर लेते हैं, सी का चेक करो भाई, सी का 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सी का 1 बताइए सबसे पहले। नो सर। सी 1 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सी का 2, 2 तो हो ही नहीं सकता, एक पे ही ग्रीन होगा पीछे की तरफ। और ये सी का 3 देखो, नीचे भी ग्रीन होगा और पीछे भी ग्रीन, सी का आ गया 3। सी का 4 आएगा, नीचे भी ग्रीन होगा पीछे भी ग्रीन, 4 भी आएगा। अब आ जाते हैं डी पे भाई, तो डी के ऐसे ही कर लो 1, 2, 3, 4। 1 होगा डी का? नहीं हो सकता। 2 होगा, एक तो डी का 2 होगा, एक 3 भी हो जाएगा नीचे और पीछे की तरफ, एक 4। अब ध्यान से जवाब देना, जो डी का 4 बनेगा यहाँ कॉर्नर पे, क्या वो 2 फेस होगा ग्रीन? नो सर, 3 होगा, वो 3 फेस होगा, ठीक है। तो टोटल देखो कितने हो गए, ये 8 हो गए, 8। अब आंसर 8 तो है ही नहीं, कोई सा तो मिस्टेक किया है। वन बाई वन चेक कर लो, ए का चेक कर लो पहले,
ए का तो दो और तीन ही होगा, बी का देख लो एक नहीं हो सकता दो होगा, तीन नहीं हो सकता चार होगा, सी का देखिए एक नहीं हो सकता दो भी नहीं हो सकता तीन हो जाएगा चार हो जाएगा, और डी का एक नहीं होगा दो हो जाएगा। डी का फोर में क्या दिक्कत थी, तीन ग्रीन आने, आंसर तो भी एट ही आना चाहिए, क्या बताऊं मैं, आपको क्या लगता है? मिसप्रिंट होगा सर यहाँ पे। मिसप्रिंट मत बोलो, आपको क्या लगता है सही है गलत है, क्या है? एट ही आएगा सर। एट आएगा तो फिर मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था भाई हम कर कैसे रहे, काउंटिंग तो आप कर ही लोगे। अब थ्री ग्रीन फेस की बात कर रहा था वो, तो आप देख रहे हो थ्री ग्रीन कौन से आ रहे थे, एक तो ये ए का फोर आ रहा था ना, ए का फोर, और कौन सा आ रहा था, डी का, डी का कौन सा आ रहा था फोर, क्या बी का कोई आ रहा था जिसमें तीन ग्रीन हो, कोई भी नहीं आएगा। ऐसे ही अब सी का देख लो भाई, सी का कोई सा आएगा नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, तो सिर्फ दो ही आएंगे। अब यहाँ तो बहुत ज्यादा दे रखे हैं, ये सारे ऑप्शन गलत है बेटा, इसको आर एस अग्रवाल में देखियो, तो मैं देखूं एक बार, मेरे पास है बुक। अभी तुम सोचोगे यार ये सर पता नहीं बेवकूफ बना रहे हैं क्या, ऐसे ही गलत सब कह रहे हैं सारे, सेम ऑप्शन है सर उसमें भी। हाँ इसका देखो भाई 16 नंबर क्वेश्चन, थ्री ग्रीन फेस, इसने तो बहुत ज्यादा दे रखे हैं, नाइन दे रखे, गलत दब गया सर। कभी ये बड़े वाले क्यूब क्यूबॉइड्स को भी वो कर रहे हैं, कर रहा हूँ इंक्लूड, ना ना बड़ों को नहीं करना, जो चार चार पीस बनेंगे ना हर एक के उसको करना सर, वो लिख कर रखा है स्मॉल क्यूब्स, बिग क्यूब्स भी तो सकते हैं तीन वाले, नहीं फिर दो दो बार थोड़ी ना काउंट करेंगे, फाइनल कटिंग होने के बाद काउंट करना है, बीच में नहीं करना। मेरे समझ में नहीं आ रहा गलती कहां कर दी, क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा, उसमें तो आंसर इसका नाइन रखा है, कहां गलती करी है क्या बताए, चलो बार बार देखेंगे ना तो दिमाग ही खराब होगा, फिर देखते हैं। वैसे क्वेश्चन तो मुझे पता है कि आपको आता है, और आपको पता है मुझे भी आता है या नहीं आता। चलो अगला देखो, ये 14 से 18 क्वेश्चन बताओ, हो गया था सर, किसी को पूछना हो तो बता दियो। चलो ये क्वेश्चन देखो, डाइस तो अभी करवाया नहीं, फिर देख लेंगे इसको, 8 से 12 देख लो एक बार स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसके अंदर, ए क्यूब इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स अलोंग ए प्लेन पैरेलल, तो एक पैरेलल से वो दो इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर रहा है, तो इसको ऐसे काट दो आप, टू इक्वल पार्ट्स बन गए, वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन द टू लार्जर फेस, तो भाई इसको अब अलग भी करना पड़ेगा, दो पीस बना लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है यहाँ बनाने में,
एक पेन आता सर, वो ले, उससे जल्दी बन जाएगा। क्या कर लिया हूँ मैं, सोच रहा हूँ स्कूल ही खुल जाए ना, बोर्ड ही ठीक है। चलो जी, ये ए और बी बना दिया हमने, ठीक है, ये ए है ऊपर वाला और एक बी, ये फर्स्ट ये सेकंड, दो पार्ट। अब उसने एक पीस को क्या बोला था, रेड ऑन टू लार्जर फेस, दो लार्जर पे रेड है, तो एक तो लार्जर फेस मान लो ये है, मैंने थोड़ा सा इसको इक्वल सा कर दिया, समझ जाना, और एक ये है, बाकी स्मॉल है, सभी ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद दूसरे को क्या बोला, व्हाइल द अदर इज ग्रीन ऑन टू स्मॉलर एडजेसेंट, जबकि जो दूसरा है उसके दो एडजेसेंट है, मान लो ये है वो स्मॉलर ग्रीन और ग्रीन, क्लियर है, ये दो पे रेड है तो बाकी पे क्या हो जाएगा, ग्रीन, और इन दो पे ग्रीन है तो बाकी पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब उसने बोला कि हर एक को 32 क्यूब्स में कट किया उसने, तो 32 क्यूब्स को भाई ऐसे बनाओगे आप, मीटिंग ऑफ हो जाए ना तो एक बार ज्वाइन कर लियो, अटेंडेंस ज्वाइन करोगे ना जब भी लेंगे आप, सर इसी लिंक पे। हाँ बेटा इसी पे लिंक नहीं आएगा, सेम ही लिंक होता है, ये ग्रीन कलर मैंने गलत ले लिया, चलो कोई नहीं, इतने तो तुम समझदार हो, मैं तो थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आता तो तुम्हें सब कुछ है, क्यों यस सर। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, इसको नहीं लग रहा तो भाई चले जाओ, और तो क्या इलाज, काम तो कर ही रहे हैं हम, है ना, समझ रहे हो बेटा, 32 क्यूब्स में डिवाइड किया, दो लेयर हो जाएंगे ना 16 16 की, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ अभी डायरेक्ट, नो कलर्ड फेस, जीरो फेस पेंट बताइए, क्या वन और टू किसी पार्ट में होंगे जीरो फेस में? नो सर। नहीं होंगे ना, सभी के फेस बीच पर, तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। सेकंड, ओनली वन फेस, ओनली वन फेस में यहाँ देख लो, फर्स्ट पार्ट में ये हो जाएंगे एक दो तीन चार, तो ये हो गए इधर ये, और फोर इसके अपोजिट में हो गए एट, और ऐसे ही एट हो जाएंगे सेकंड पार्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट है टू रेड वन ग्रीन, यानी कि थ्री फेस बताना है जिसमें दो रेड और एक ग्रीन हो, मीटिंग ऑफ हो जाए तो लिंक पे ज्वाइन करना है, टू रेड एक ग्रीन, तो क्या फर्स्ट पार्ट में दो रेड हो सकते हैं एक क्यूब के? नो सर, क्योंकि अपोजिट है ना, हो ही नहीं सकते, तो भाई दो रेड एक ग्रीन में देखो, एक तो ये हो जाएगा बॉटम वाला, ठीक है, ऐसे ही एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, इसके अलावा बताओ कि दो रेड एक ग्रीन यही होंगे ना भाई, कॉर्नर वाला ही देखेंगे थ्री फेस पेंट में, तो हम कितना हो जाएगा आंसर, फोर। नेक्स्ट है वन फेस रेड अनदर ग्रीन, मतलब दो देखना है टू फेस जिसपे एक रेड और एक ग्रीन हो, तो इनको देख लो सबसे पहले, ये सभी जितने भी एज क्यूब है कितने हैं इसमें, एट और एट का डबल उधर 16 हो जाएंगे, वन रेड वन ग्रीन, नीचे वालों पे देखते हैं वन रेड वन ग्रीन, क्या कोई होगा, एक तो ये होगा, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसको, पिंक कलर लेते हैं, ये हो जाएगा जैसे एक रेड और एक ग्रीन,
ये भी हो जाएगा और ये ऐसे ही ये होगा, ये भी कितने हो गए टोटल 8। और कोई तो नहीं रह गया ना, और कोई भी नहीं है, तो 16 और 8 कितने हो गए 24 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लीस्ट वन ग्रीन, कम से कम एक के ऊपर ग्रीन हो, तो यहाँ कितने हो जाएंगे। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में ओनली रेड वाले निकाल दो, तो चार तो ये सरफेस के निकल गए, समझ रहे हो, और चार उधर निकल गए, 8 निकल गए ना 32 में से, तो कितने बच गए 24। और नीचे देखो आप, एट लीस्ट वन ग्रीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसमें हो गए, 24, 14, 38, समझे। यस। ओके बाय, थैंक यू। शिवम अटेंडेंस लियो एक बार सर, इसके आंसर की बिना ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग पे भी फिर भी अटेंडेंस ले तो जिसको, शिवम लियो एक बार आंसर की, मैं भेज दूंगा अभी। चिराग प्रेजेंट नहीं है बेटा, सभी क्लासेस की मैं अटेंडेंस देखता हूँ आपकी।